हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रो एंटल रेड डियर के बारे में। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी इज़ सौरभ पांडे 009। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डियर है इसको बोलते हैं ब्रो एंटल रेड, ब्रो एंटल रेड डियर। अब ये जो डियर है इसको ब्रो एंटल रेड डियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आईब्रोज हैं ये थोड़ा उठी हुई होती हैं, रेज्ड होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं ब्रो एंटल रेड डियर। अब देखिए ये जो डियर है इसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। देखिए ये जो डियर है इसको डांसिंग डियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो डियर है ये सिर्फ मणिपुर में पाई जाती है और मणिपुर में ये जो लेक है लोकटक लेक वहाँ पे पाई जाती है। लोकटक लेक में एक वेजिटेशन है जिसे हम कहते हैं फोमडीज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये फोमडीज है। अब क्या होता है कि जब डियर इसके ऊपर खड़ा होता है या फिर इससे जब मूव करता है, जैसे इस तरीके से है ना, इस तरीके से इन फोमडीज को यूज़ करके डियर मूव करता है लेक के इस पार से उस पार तक। तो जब ये मूव करता है तो अगर आप दूर से देख रहे हो, क्योंकि ये जो वेजिटेशन है, ये जो फोमडीज है, ये फ्लोट कर रहे हैं लोकटक लेक के ऊपर, तो जब डियर इस पर मूव करेगा तो ऐसा लगेगा कि डियर जो है वो डांस कर रहा है। मतलब आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि डियर डांस कर रहा है, लेकिन वो डांस नहीं करता क्योंकि वो अपना बैलेंस बना रहा है इस फोमडीज पे, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहा है। इस वजह से जो वहाँ के लोकल्स हैं उसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। और एक स्पीसीज़ है इसकी, जो सब स्पीसीज़ है जिसको संगाय बोलते हैं, संगाय, इसी को बेसिकली हम डांसिंग डियर हम बोलते हैं। देखिए अगर हम इस डियर को देखें तो 1951 के आसपास ये डियर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार में आ गई थी, मेनली बिकॉज ऑफ जो पोचर्स हैं उनकी वजह से। दूसरा है कि इस समय अगर हम देखें तो सिर्फ जो ये डियर हैं ब्रो एंटलर्ड डियर, ये सिर्फ 260 हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कहाँ पे हैं, ये सिर्फ जो ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहाँ पे ही ये जो डियर हैं पाई जाती हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकटक लेक लोकेटेड है और लोकटक लेक में जो ये नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का ये लोकटक लेक है और ये फोमडीज हैं, इन ये जो फोमडीज हैं ये बहुत फ्लोराज और फौनास को सपोर्ट करती हैं और इस रीज़न में इस डियर को बचाने के लिए इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है और ये वर्ल्ड का इकलौता जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब देखिए अगर हम देखें तो मणिपुर कहाँ पर है, ये है मणिपुर, और अगर हम देखें तो ये है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, यहाँ पे लोकेटेड है लोकटक लेक। अब देखिए बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि अभी सिर्फ इसकी पॉपुलेशन 260 है। अब जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो चाहते हैं कि इनके नंबर इंक्रीज़ हों, ये जो डियर है इसके नंबर इंक्रीज़ हो, तो वो ये चाहते हैं कि इनको सेकेंड होम, इनका जो है सेकेंड होम भी सर्च किया जाए, मतलब इनको किसी और जगह पर भी ट्रांसफ़र किया जाए जिससे कि इनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया जा सके। देखिए डिसीजन ये लिया गया है कि जो ये थाम्बुल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर की जो थाम्बुल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ये जो है ये थाम्बुल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी इस डियर का सेकेंड होम बनाया जाए। देखिए ये जो थाम्बुल डिस्ट्रिक्ट है, इस थाम्बुल डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है जिसका नाम है फोमलेनपट लेक जो है ये लोकेटेड है इस थाम्बुल डिस्ट्रिक्ट में। अब जो प्रपोज़ल है वो प्रपोज़ल ये है कि यहाँ पे सेकेंड होम इस ब्रो एंटल रेड डियर का बनाया जाए, जिसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। अब जो लोग रहते हैं थाम्बुल डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रह रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं और डेली आप देख सकते हैं कि डेली जो है इस प्रपोज़ल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। मेनली जो वुमेन्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उनका ये डर है, उनका ये अप्रहेंशन है कि एक बार अगर ये जो लेक है फोमलेनपट, अगर ये जो लेक है इस लेक को अगर सेकेंड होम
होम बनाया जाता है इस डियर का, तो इसे क्या एक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेंचुरी अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जाने से उनको रोका जाएगा, मतलब जो लोकल्स हैं उनको यहाँ से, ये जो लेक है फोमलेट पट जो लेक है, यहाँ पे जाने से रोका जाएगा। अब जो लोग रह रहे हैं आसपास, उनका लाइवलीवुड इस लेक से जनरेट होता है। मतलब मान लीजिए फ़िशिंग है, फ़िशिंग वो लोग करते हैं, जो कुछ फ़िशेज़ कैच किया है ना, उसको कंज्यूम भी कर लिया और साथ में कुछ जो है उनको सेल कर दिया, उससे जो लोग हैं कॉमन लोग हैं उनकी लाइवलीवुड जनरेट हो रही है। वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि अगर फोमलेट पट लेक को अगर सेकेंड होम बना दिया गया इस डियर का, उनकी जो लाइवलीवुड है वो अफेक्ट होगी और वो फिर कहाँ रहने जाएंगे। तो ये एक चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, और जो कई सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये ओपिनियन है, उनका ये ओपिनियन है कि मान लीजिए कि ये जो ब्रो एंटलरेड डियर है, ब्रो एंटलरेड जो ये डियर है, ये बेसिकली अगर इसको हैबिटेशन, अगर हम इसके हैबिटेशन की बात करें तो इसका हैबिटेशन कैसे, इसको क्या रिक्वायर्ड है, फोमडीज भी रिक्वायर्ड है और ग्रासेस भी रिक्वायर्ड है। और ये फोमडीज कहाँ पे अवेलेबल है, लोकटक लेक में अवेलेबल है। अब ये जो नया घर देखा जा रहा है इस डियर का, जिसको हम कह रहे हैं फोमलेनपट लेक, इस लेक में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मतलब ग्रासेस भी नहीं है ज़्यादा और फोमडीज भी नहीं है। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भले हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ सेकेंड होम है ना ब्राउन एंटलरेड डियर का, लेकिन वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके हैबिटेशन का वो इस लेक में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ अलग अलग ओपिनियन है। गवर्नमेंट भी क्या है, गवर्नमेंट मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वो इस प्रोटेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उसको जो ये वुमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती, तो उनका भी कंसिडरेशन गवर्नमेंट को ध्यान में रखना है। कि एनवायरमेंटलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि ये जो जगह चुनी गई है वो भी इतनी सही नहीं है इस डियर के हैबिटेशन के लिए, तो ये पॉइंट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कि तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो डियर है इसको बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनके नंबर देखें तो ये सिर्फ 260 हैं, और वर्ल्ड में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में सिर्फ मणिपुर के इस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ये जो डियर है ये प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, नियर लोकटक लेक, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो अब गवर्नमेंट को, जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, उसको ये डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से बैलेंस बना पा रही है कि जो लाइवलीवुड लोगों का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, लाइवलीवुड लोगों का इफेक्ट हो रहा है, साथ में जो कंजर्वेशन एफर्ट कैरी आउट करना है इस डियर के लिए उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये दोनों चीज़ों के बीच जो गवर्नमेंट है उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ब्रो एंटलरेड डियर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।